Hello students, welcome in 11th class physics students. Students, in previous video we discussed about the angular momentum and angular momentum conservation and its application. Students, we are going to start today the important two theorem, that is theorem of parallel axis and perpendicular axis. तो बेटा आज हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में. तो बेटा व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज नोन. If you know the moment of inertia of a body about a given axis, then you can find moment of inertia of the same body about another axis using the two theorem beta. तो अगर आपको एक कोई given body है, अगर उसका moment of inertia किसी एक axis के around पता है, तो उसी same body का आप क्या कर सकते हो भाई, same time पे moment of inertia निकाल सकते हो दूसरी axis के around. But वो कैसे निकालेंगे बेटा, वी विल यूज टू थ्योरम, वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अनदर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भाई, वो पढ़ते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो दिस थ्योरम सेज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस ए बी, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपकी रिजिड बॉडी है बेटा, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर रिजिड बॉडी. तो इस रिजिड बॉडी का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अपने, मान लीजिए किसके अराउंड बेटा, ए बी एक्सिस के अराउंड, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो किसी बॉडी का अगर आप एक एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके कुल आएगा भाई, इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस. मान लीजिए एक एक्सिस आपकी ये है और ये एक्सिस किससे पास करते हैं भाई, सेंट्रो मास से. किससे पास करते हैं बेटा, सेंट्रो मास से. तो इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसका पता है भाई, के एल, इस गिवन एक्सिस के अराउंड पता आपको. तो आपको अगर इस एक्सिस के अराउंड को पता है, तो बेटा आप इसके अराउंड भी बॉडी का क्या निकाल सकते हो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो. तो ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हो किसका भाई, बॉडी का, अबाउट द एक्सिस ए बी, अबाउट द एक्सिस ए बी निकालना चाहते हो. तो उसके लिए क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस. ये आपकी गिवन एक्सिस है के एल. अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल्स विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है भाई. तो प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी विद स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने वाले जी, एच, और इस पूरे बॉडी का मास कितना बेटा, एम. तो अगर आप गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो अबाउट एक्सिस ए बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसी बॉडी का किसी गिवन एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा. अगर वो एक्सिस का पता है, वो एक्सिस कहाँ से पास करती है बेटा, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस है बेटा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा. तो बेटा इसको हम प्रूव करते हैं. बेटा इसके लिए प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है बेटा, आईथ पार्टिकल जिसका मास एम आई है, और बेटा इस एक्सिस से, गिवन एक्सिस से मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर आई, क्या है, आर आई. तो बेटा एम आईथ पार्टिकल का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, बताना. तो अबाउट द एक्सिस आई के एल, तो क्या आएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आएगा बेटा, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, वन टू एन एम आई आर आई स्केयर बेटा, ठीक है. तो ये आएगा किसका बेटा, इस आईथ पार्टिकल का, किसके अराउंड बेटा, के एल एक्सिस के अराउंड, ठीक है. और बेटा इस एक्सिस के अराउंड इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, ये आर आई और ये क्या बेटा, एच. तो बेटा इसी आईथ पार्टिकल का इस एक्सिस के अराउंड निकालने, तो क्या आएगा भाई, आईथ पार्टिकल का अबाउट द एक्सिस ए बी, तो बेटा ये आएगा आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई. तो बेटा इस आईथ पार्टिकल का इस एक्सिस के अराउंड कितना बेटा, आई आर आई डिस्टेंस तो ये है, एच एच ये है, तो कितना आ जाएगा आपकी बार, आर आई प्लस एच होल स्क्वायर बेटा, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ठीक है. तो इसको सोल्व करते हैं बेटा. तो जब आप सोल्व करोगे, तो देखिए जब आप सोल्व करते हो तो इसको खोलेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी दैट इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन. तो इसको जब ओपन करेंगे बेटा तो स्केयर खुल जाएगा. तो एम आई तो बाहर ही रख लीजिए, ये स्केयर खोल दीजिए, ए प्लस बी होल स्केयर खोलेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा आर आई स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस टू आर आई इंटू एच, ठीक है बेटा. तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म को बेटा, तो क्या आएगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई स्केयर प्लस एच स्केयर को बना जाएगा भाई, ठीक है. समेशन, या यू कैन से दैट
एम को एम आई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई एच स्केयर एम आई एच स्केयर प्लस टू एच आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई। ठीक है बेटा, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी ये टर्म है भाई, यू कैन नेगलेक्ट दिस टर्म इक्वेट टू जीरो, तो ये टर्म को जीरो पे इक्वेट कर रहे हैं, तो आपकी क्या आएगी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी दैट इज इक्वल टू, बेटा ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस के एन प्लस, बेटा ये एम आई है, ये एच स्केयर है। ठीक है, तो एम आई बहुत सारे पार्टिकल है तो कैपिटल एम बन जाता है मैस, और ये क्या बेटा एच स्केयर। ठीक है, तो बेटा ये आपका निकल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो बेटा यही आपकी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है बेटा। पैरेलल एक्सिस का मतलब बेटा अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हो किसी एक्सिस के अराउंड, तो अगर आपको पैरेलल एक्सिस के अराउंड पता है तो आप उस गिवन एक्सिस के अराउंड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो बेटा ये थ्योरम भी काफ़ी ईजी है। मान लीजिए कोई प्लेन लेमिना आपका, लेट्स से दिस इज प्लेन लेमिना, ओके। तो आप इस प्लेन लेमिना का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बिल्कुल इजी वे में। लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो इस प्लेन लेमिना का अबाउट द जेड एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या कहती है, अगर आप बॉडी का जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो ये आएगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सिस का सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि अगर आपको जेड के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बॉडी का, तो बेटा आप क्या कर लीजिए, उस जो बॉडी दो बॉडी जिस प्लेन में है एक्स और वाई में, वो टू म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और सम कर दीजिए। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अराउंड तो वो कैसे निकल सकता है, क्या करो आप भाई, जिस एक्सिस के अराउंड निकालना चाहते हो उस एक्सिस को छोड़ के तो जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है भाई उनके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए, तो बेटा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दिस थ्योरम आल्सो। तो बेटा यहाँ से हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका पार्टिकल है भाई आईएथ पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे एम आई आईएथ पार्टिकल है। ठीक है, तो बेटा सिंपल देखा जाए इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए अगर ये पार्टिकल आपका एम आई एथ पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटा, सिंपल सी बात है दैट इज़ वाई आई, और इसकी बेटा वाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटा, दैट इज़ एक्स आई बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट द एक्स एक्सिस तो बेटा एक्स एक्सिस के अराउंड अगर निकालते हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड अगर निकालते हैं तो बेटा क्या करेंगे, मास प्लस स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, वाई आई, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे बेटा एम वन वाई वन स्केयर, एम टू वाई टू स्केयर, ऐसे करते हो बेटा एम थ्री वाई एन स्केयर बेटा, एन पार्टिकल्स का हूँ। ठीक है, तो ये आई एक्स क्या क्या आ जाएगा, समेसन की फॉर्म में अगर डालते हैं तो आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई स्केयर। सिमिलरली अगर आप जेड वाई एक्सिस के अराउंड निकालते हो तो यहाँ पे आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई वाई आई स्केयर बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अराउंड। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहते हो बेटा जेड एक्सिस के अराउंड, तो जेड एक्सिस के अराउंड तो बिल्कुल सिंपल है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा आर आई। ठीक है, तो बेटा जेड एक्सिस के अराउंड अगर निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो बेटा। तो जेड एक्सिस के अराउंड क्या आ जाएगा बेटा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई होल स्केयर बेटा। ठीक है, और देखा जाए अगर आर आई निकालना चाहते हो आप तो ये क्या आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर निकालें तो बेटा ये आ जाएगा आर आई का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आर आई स्केयर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर। ये आपका यहाँ से आर आई की वैल्यू निकल जाती है बेटा, एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर बेटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस आपका आ जाता है
तो आई जेड इज इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई, आर आई की वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए बट तो एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर बेटा, ठीक है। तो आई जेड इज इक्वल टू समेशन के फॉर्म में डालेंगे आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो एम आई एक्स आई स्केयर प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई वाई आई स्केयर बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू बेटा, आई आई वाई की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, आई एक्स की वैल्यू है। तो यही हमने प्रूव करना था बेटा कि अगर जेड एक्सिस के अराउंड निकालना है तो दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बेटा हम यही निकालना चाहते थे और इसी में हम इंटरेस्टेड थे बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।